Good morning. Let's make chai. Also, we don't talk much in the mornings. Good morning everybody, welcome to a day in my life kind of a vlog. बहुत सारे लोग इसके बारे में बहुत टाइम से पूछ रहे थे कि यू शुड डू अ डे इन योर लाइफ व्हेन यू आर वर्किंग, बट मैंने कहा यार वर्किंग तो ध्यान नहीं रहेगा मेरे कि मैं हर बार ही व्लॉग करूँ, हर कुछ दिखाऊँ कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है. बट आज छुट्टी का दिन है, सो आई थॉट छुट्टी वाले दिन का व्लॉग तो बनाया जा सकता है यार. सो यूजुअली माई मॉर्निंग स्टार्ट विद चाय एंड अ बुक. I have finally started reading another one. This is Seriously I'm Kidding by Ellen DeGeneres. So I start my mornings with chai and Ellen. Uske baad we're gonna get ready and go to the gym and then we'll see how the day goes. Now, if you'll excuse me, I'm gonna go to the gym so I can get a little more sexo. No, funnier in my head. Okay, we are 10 minutes late to the gym, but I think we're gonna make it. And by we, I mean me and Mr. Buddy Boy here. Sheesh, Vishank, you're not 13. I don't believe we just did. So we started going to the gym, I think, kitne din ho gaye? Ek hafta? Do hafte? A few days ago. क्योंकि आई नो ऑल द क्रैप जो मैं पहले बोलती थी कि मेरे से जिम में जाके वर्कआउट नहीं होता है, मैं घर पे अपना वर्कआउट करूंगी, और फिर वो घर वाला वर्कआउट भी कुछ दिन चल के बंद हो गया. प्रशांत ने भी वही करा, उसने कुछ दिन वर्कआउट करा और फिर वो बंद हो गया. एंड देन वी रियलाइज कि आवर बॉडीज हैव बिकम लाइक पोटैटोज, एंड आई डोंट मीन दे लुक लाइक पोटैटोज, दे लिटरली आर पोटैटोज, जहाँ पे जरा चढ़ो कुछ तो ऐसे हाफने लगते थे, ज़्यादा दूर चलो तो बैंड बज जाती थी. आई वाज लाइक दिस कांट डू विद द अमाउंट ऑफ आवर्स बोथ ऑफ अस पुट इन वर्क, वी नीड टू बी फिटर देन दिस. सो देन आई वाज लाइक चलो कोई बात नहीं. और आज का थोड़ा सेशन खतरनाक है, बिकॉज अगेन टुडे इज आवर पर्सनल ट्रेनर सेशन एंड ही गोज एट 8. ओके, लाइक ही विल नॉट स्टॉप एनीवेयर. यू कुड बी क्राइंग, डाइंग, क्रॉलिंग आउट ऑफ द जिम, बेगिंग फॉर लाइफ, बट ही विल नॉट स्टॉप. मेरे को ऐसा लगता है कि वी नीडेड दैट to get our asses to gym every day. So we're gonna go get a quick 1 hour workout and then I'll see you. Okay, bye. All right, after a successful and very harsh day, leg day at the gym, how are we feeling? We feel great. I also feel great. Don't be so selfish. Okay. पता है कल the Nike marathon happened. और जब मैं घर पहुंची हूँ, like for the first, वो मेरा पहला marathon था. इससे पहले मैं कभी marathon as in the run, the 3K run that I did. इससे पहले मैं कभी भागी नहीं थी. तो जब मैं घर आई तो मेरे पैरों की बैंड पर जी पड़ी थी. मतलब आई वाज टेलिंग जीबी, जीबी इज लाइक हाउ इज इट मैन, कब मैं अपने पैर काट के फ्रिज में रखूंगी थोड़ी देर के लिए, वरना ये काम नहीं करेंगे. दिस मॉर्निंग आल्सो आई वोक अप लाइक माय काव्स वर जस्ट लाइक इफ माय काव्स हैड अ फेस इट वुड बी हू एंड डू दैट अगेन. That's how my calves were, right? तो आज जाते ही जिम में तो ट्रेनर्स लाइक ओके गुड मॉर्निंग लेग्स डे, एंड आई एम लाइक ओ तेरी बैंड बजी है, मैं बैग में जिम बैग में डाल के लेके जाऊंगी अपने लेग्स. लेकिन न्यू इम्प्रूवमेंट इज कि अब जो मेरे को कल दर्द था वो बिल्कुल नहीं है. आज जो थोड़ा सा ऑब्वियसली बिकॉज ये मसल गेट वर्कड अप, लेकिन जो मेन वाला दर्द था वो मेरे पैरों में बिल्कुल भी नहीं है. आई फील सो मच बेटर एंड इट वॉज अ गुड डे एट द जिम. ही गॉट सो मच मलाई, इसमें तो कुछ है ही नहीं. सो मम्मा जस्ट टुक अ शावर. अंगूर के लिए माँ. Okay, I just came back sweaty from the gym. No! Happy Mother's Day! Happy Mother's Day! Karu! You
usually breakfast is a luxury kyunki main ghar aati hu and then I run, I get ready and I run aur main gaadi mein kuch kha leti hu, but today I'm going to enjoy my breakfast. So we have dosa, chutney and amba, and we've got some two broke girls. Now छुट्टी वाले दिन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप जाने कि भले कितने भी इंटरेस्टिंग नई चीज़ें हों, ठीक है, नेटफ्लिक्स अमेजोन पर हम वही देखेंगे जो घिसी पिटी है हज़ार बार देखी और उन्हीं जोक्स पे हम बार बार हंसेंगे क्योंकि इट्स मेरे छुट्टी का दिन एंड आई कैन डिसाइड व्हाट आई वांट टू वॉच. ओके बाय. ओके एंड वी हैव स्टेप्ड आउट टू मेल्ट इन द मुंबई सन. वी एक्चुअली हैव टू गो टू द मॉल. I have to buy some things. I also have to buy gift wrapping paper because I got a present for mama. It's Mother's Day and bachpan se gift wrap karne mein mujhe jo maza aata hai na wo gift choose karne mein bhi nahi aata hai. To kai bari I end up spending so much more on wrapping stuff than I do on the actual gift. So we're gonna go buy some cute wrapping things and then come home and wrap mama's gift. Dancing on a girl, I was dancing with dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. For every other girl you meet, it's too gay. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to stay sit up. So who you gonna call? Cardi, Cardi, coming for it up like a Harley, Harley. I'm so bad at being Cardi B. I don't play when it comes to my heart. Let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horses to carry. I need you right here because every time you fall, I pay for the skinny like your brother. Sincere apologies for that, guys. Just a bunch of people pretending to be Cardi B. 13 years old. Job number one done. Hi. Hi. I met a dum dum. For future dum dum, hopefully, because like a true dum dum, she's making sure that sab log videos dekhe. Yes. Good job. Big fan. Bye bye. This is Ekta and she loves the Ajay Devgan vlog. Yes. I have approval. I think you're done. Hi. Everybody say hi to Trisha. Hi. Another dum dum has been spotted. Hi. She's just like, what's the big deal? So, जो खरीदना था वो खरीद लिया है. अभी वी आर गोइंग टू सिट डाउन एंड ईट सम लंच एंड द ओनली थिंग आई हेट अबाउट लंच इसके ऑर्डर करने के बाद बहुत लंबा वेट होता है. एंड बाय लंबा अगर वो 5 मिनट भी वेट, मतलब भगवान करे कि आप प्रेस करो एंड खाना आए, लाइक बिकॉज यूजुअली हम खाना खाने पहुँचते हैं जब बिल्कुल एंड में पहुँच चुका होता है कि अब बिल्कुल नहीं रहा जा रहा, बहुत भूख लग रही है, खाने को खाने का. दैट्स व्हेन वी रीच एंड देन नाउ वी आर वेटिंग. सो व्हाइल वी वेट वी आर गोना ड्रिंक. Prashank has learned a new way of saying goodbye like a proper 29-year-old. How do you say bye, V? Tada. No, what did you just say? What did you just say? What did you just say? See you. Say it. No. Say it. Say what did you say? No. Say why are you shy now? अब क्यों शर्म आ रही है? Bye bye. He said, toodles. Okay, and we are back home from the mall. It is melting outside. और मैंने दो तीन जगह पे, please don't mind this guys. I can't help it. Okay, I'm just gonna. Okay, not gonna walk there. Okay, maybe I'll just turn like. Okay. मुझे लगता है this is the only angle जहाँ पे मेरे कमरे में का पसारा आपको दिखाई नहीं देगा. You know what? What else? This is doable, I think. So, मैं दो तीन जगहों पे जाके देख के आई हूँ टू फाइंड द राइट रैपिंग पेपर, बट इट्स इम्पॉर्टेंट. ओके, टू मी इट मैटर्स अ लॉट. और मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला. सो आई जस्ट पिक्ड अप सम रिबन इंस्टेड एंड नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू यूज न्यूज़ पेपर. मैंने मराठी न्यूज़ पेपर ओपन किया बिकॉज देन इट्स क्यूज. I think this should be fine. Let's go. Okay, so personally मुझे मैं आपको अभी रैपिंग के टिप्स देने वाली हूँ. पर्सनली मुझे पसंद नहीं आता अगर बहुत सारा वो यूज़ किया हो, क्या बोलते हैं उसको, सेलो टेप इन योर गिफ्ट रैपिंग. आई फील लाइक इट मेक्स इट वेरी, सो आई लाइक टू सॉर्ट ऑफ यूज एज लेस सेलो टेप एज आई कैन. ओ बाय द वे, दिस इज व्हाट आई एम रैपिंग, दिस इज द प्रेस कॉन्टेक्स्ट. प्राजक्ता कॉन्टेक्स्ट, आज मदर्स डे है और मम्मा के लिए प्रेजेंट मैंने मंगाया है. सो बेसिकली आई ऑल्सो हैड टू पिक दिस अप फ्रॉम विशांक्स हाउस क्योंकि मैंने इसको ऑर्डर करके उसके घर पे डिलीवर किया था. दिस इज द मीवी
small size Bluetooth speaker called Roam. और why I chose this also is because ना जैसे ना मैंने बहुत बारी पहले भी बोला हुआ है कि मेरे parents love music and उनको हमेशा वो गुनगुनाते रहते. तो पहले तो हमारे घर में एक ट्रांजिस्टर था, उसके बाद एक रेडियो आया एंड उसके बाद वी हैव नॉट रियली हैड एनी सॉर्ट ऑफ लाइक इंस्ट्रूमेंट्स जो घर पे इंस्ट्रूमेंट एंड सम एनी डिवाइसेस. और जो घर पे स्पीकर्स हैं लाइक माय ऑक्टेव इज इन माय रूम, बाबा के पास भी एक स्पीकर है जो बहुत बड़ा है और मम्मा हमेशा यही कंप्लेन कर रही होती है कि यार ये इतने बड़े बड़े स्पीकर्स क्यों लाते हो, बिकॉज शी लव्स सिंगिंग या गुनगुनाती रहती हैं वो जब वो किचन में काम कर रही होती है. तो वो बड़े अनॉय होती हैं कि यार तुम लोग इतने बड़े बड़े स्पीकर्स क्यों लाते हो, इतना बड़ा स्पीकर लेके आई डोंट वांट टू गो टू द किचन बिकॉज अगेन आई डोंट वांट टू स्प्लैश एनीथिंग ऑन इट, मैं नहीं चाहती कि खराब हो जाए. व्हिच इज व्हाई आई थॉट कि मे बी आई शुड गेट हर लाइक अ स्मॉल स्पीकर दैट शी कैन लिसन टू म्यूजिक ऑन, क्योंकि अभी तो फिलहाल वो म्यूजिक सुनती हैं अपने फोन पे, लाइक शील टेक हर फोन इन द किचन और वहां रख के शील प्ले सॉन्ग्स. तो मैंने सोचा प्लस दिस वन वाटर प्रूफ तो स्प्लिश स्प्लैश जितना होली चाहे वो खेल ले अंदर इन द किचन नथिंग इज गोना हैपन. आई थिंक दिस इज अ क्यूट प्रेजेंट. ओके शो टाइम लेट्स गो. माँ Happy Mother's Day. She's telling she's been waiting all morning. Were you home? Please give me points for the wrapping paper. Yes. खूपच सुंदर आहे, मला फार आवडलं. वातावरण बदलामुळे डोंट रीड दॅट. वाव. इज देअर एनी मी तुला त्या दिवशी बोललेलो ना गाणी. So now, आप इसको so she does this thing where she, because she's so annoyed to connect like big speakers, what she'll do is she'll take one bartan and she'll play the song that she likes and she'll put the phone in the bartan. Yes, so now you don't have to do that. Do you want to tell everyone what the sentimental value behind this song is? No. So college mein, this is the first song that Baba sang for Mama and this is the song where Mama meant yehi hai wo, kahan tha sari life, yehi hai wo. Hello Manoj. Hi Manoj. Happy Mother's Day Ma. एंड प्लान ये था कि मम्मा बड़े दिनों से ये प्लान चल रहा था. मम्मा इज लाइक कि कुछ करेंगे मदर्स डे पे, बाबा को नहीं लेके जाएंगे, तू और मैं ही जाएंगे, कुछ करेंगे कुछ करेंगे. हम लोगों के ग्रेट करेंगे. शी गॉट होम, शी गॉट टू वेडिंग, शी गॉट होम. उसके बाद आई गॉट अप फ्रॉम माई नैप, आई वोक अप फ्रॉम माई नैप एंड देन आई आस्क्ड हर, मैंने कहा मम्मा क्या करना है, कहाँ जाना है. शी लाइक मंगा ही ले अभी घर पे. सो मैं और मेरी माँ दोनों एक ही एज के हैं, क्योंकि दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज थिंकिंग. मैंने कहा माँ कह रही हाँ हाँ घर में ही मंगा ले. सो नाउ वी आर गोना ईट चीप देसी चाइनीज फूड एंड वी गोना वॉच अ मूवी. व्हाट मूवी डू यू वांट टू वॉच? बहुत आनंद आता कुछ चांगला दिसेल, छान नवीन काय नाही आहे. वी हैव सीन ऑल द मूवीज. Cool. So it's gonna be a fun movie and Chinese dinner night. So I'll see you after that. Hi everybody, dinner is done, movie has been watched. Mama aur maine baith ke bade maze se bareli ki barfi dekhi aur main ye soch rahi hu ki yaar is movie ka zyada shor sharaba us time, matlab it is an amazing movie, it is super funny. Rajkumar Rao and Ayushman are oh my god crazy 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 funny it is. Agar tumne dekhi nahi ho to dekh lena, Netflix pe hai. Bareli ki Barfi is super amazing. Uske baad like a true mother and daughter hum dono ne baith ke dher sari gossiping kari un sare logo ke bare mein jinko hum pasand nahi karte. Aur fir uske baad now I am back in my room and my laptop's literally here, matlab bagal mein rakha hua hai itni der se. I'm so tempted ki I open it and I have a few ideas, but maine aaj subah decide kiya tha जब मैं उठी थी कि आई रियली आई एम गोना टेक अ डे ऑफ एंड आई एम नॉट गोइंग टू वर्क, आई एम नॉट गोइंग टू ओपन माई लैपटॉप, आई एम नॉट गोइंग टू रीड ईमेल्स, आई एम नॉट गोइंग टू राइट डाउन आइडियाज, आई एम गोइंग टू लीव ऑल ऑफ दैट फॉर टुमारो. क्योंकि कल का पूरा दिन मैंने सिर्फ आइडिएशन के लिए रखा हुआ है
और कभी कभी यार बहुत जरूरी होता है, नो मैटर हाउ मच ऑफ अ रट यू आर स्टक इन, नो मैटर कितनी दिक्कत हो रही है, कितना काम पेंडिंग है, मुझे ऐसा लगता है कि यू ओ दैट मच टाइम टू योर सेल्फ कि एवरी नाउ एंड देन तुम एक दिन निकालो और सारी चीज़ें साइड में रख दो, कि जो भी हो रहा है उसको साइड में रख दो, जो भी सोचना है, जो भी टेंशन्स हैं. आई एम नॉट सेइंग प्रोक्रेस्टिनेट, बट आई थिंक यू शुड गिव योरसेल्फ दैट टाइम. तो काफ़ी अच्छा दिन रहा, चाय भी पी, बुक भी पढ़ा, वर्कआउट भी करा, आई थिंक सारे काम कर लिए जो डिसाइड करे थे. मम्मा के लिए प्रेजेंट भी लाया, मेट अ बंच ऑफ डम डम्स एट द मॉल, डिनर भी खाया, मूवी भी देख ली, आराम भी कर लिया, सोच भी लिया, दिमाग में थोड़ा चलने लग गया. तो आई एम एक्साइटेड फॉर टुमारो. एंड यू नो कि इट वॉज अ गुड छुट्टी, जब छुट्टी के एंड में यू नॉट लाइक अब यार कल से काम शुरू, उल्टा आई एम लाइक ओके ग्रेट, हो गया, संडे इज फिनिश्ड एंड टुमारो मॉर्निंग अगेन द हसल स्टार्ट्स एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. ऑल्सो आपको बता दूं कि जो स्पीकर मैंने मम्मा के लिए ऑर्डर करा था उसके ऊपर मुझे डिस्काउंट मिला था बिकॉज आई यूज द कोड लव मॉम. आई एम गोना पुट द कोड राइट हियर. तो इस पूरे हफ्ते मीवी हैज़ द मदर्स डे वीक डिस्काउंट गोइंग ऑन. तो अगर आप अपनी मम्मा के लिए कुछ भी खरीदना चाहते हो तो आप बस ये वाला कोड दोबारा से डाल दूंगी यहाँ पे, ये वाला कोड यूज़ करो. एंड विशिंग ऑल द मम्माज ऑफ द वर्ल्ड, ऑल द ब्यूटिफुल स्ट्रॉन्ग सुपर वुमेन ऑफ द वर्ल्ड अ वेरी 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 हैप्पी मदर्स डे. लेट हो गया, 2 बजने वाले हैं, बट आई थिंक आई एम गोना गो टू स्लीप नाउ. मैं थोड़ी देर पढ़ रही थी, आई वाज रीडिंग द बुक, बट आई थिंक आई एम गोना गो टू स्लीप नाउ. कल सुबह उठ के अगेन मंडे स्टार्ट्स, इट्स अ ब्रांड न्यू डे, अ ब्रांड न्यू वीक, कांट वेट. अभी जा रही हूँ, लेट मी नो हाउ यू लाइक दिस वीडियो, अ डे इन माई लाइफ बट छुट्टी वाला दिन. एंड आई विल ट्राई टू व्लॉग मोर, क्योंकि बहुत लोग बोलते रहते हैं व्लॉग करो सो के प्रारिक और ज़्यादा व्लॉग करेगी. आई एम गोना गो नाउ, सब्सक्राइब कर देना यार मुफ्त. आई विल सी यू अगेन ऑन थर्सडे. इट विल बी मी, लव लव.